बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैजिटेरियन। मैं सैयद मोहम्मद अजमर रहीम, आपका एस्ट्रोलॉजर। आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? सैजिटेरियन, आपका अच्छा वक्त शुरू, आपका वो समय शुरू होने वाला है और दिसंबर में केतु भी आपके सन से निकल जाएगा और आपके अंदर जो आपने एक साल सोचों में टेंशन में गुजारे वो ख़त्म होने को आ रहा है। वैसे भी इस वक्त आपके 11वें घर में सन मार्स और ये आपकी उम्मीदों का घर, आपका ये आपको अक्टूबर में आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा कोई ना कोई। भट्टी साहब, मैं आपको बता दूँ, आप बड़ी अच्छी पोस्टिंग पे जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे आपका बता दूँ कि किसी बड़े शहर में जा रहे हैं और बड़े शहर की बड़ी पोस्टिंग पे हो गए, तैयारी कर लें, आपको एडवांटेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। एनी हो, इस तरह बाकी सैजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। आगे स्टार्ट होता है आपका 7वें घर से, यहाँ पे मून और राहु आपके 7वें घर में। पिछदवा भी मैंने खबरदार किया था कि ख्वातीन, खास तौर पर जो प्रेग्नेंट ख्वातीन, प्लीज़ 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 अपने आपका ख्याल कीजिएगा। ये इतवार का जो दिन आपने कल गुजारा और ये आज का दिन, ये प्लीज़ आपको कि ये जुम्मे को प्रोग्राम आना है तो जो इतवार आना है उस दिन भी आपके वो नसीहत है, तो रेस्ट करना है, भाग दौड़ नहीं करनी, कोई किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, किसी के साथ उलझना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, अदरवाइज़ आपको हॉस्पिटलाइजेशन, गायनी का इशू या कोई मिसकैरेज के या फॉल्स पेन शुरू हो सकती हैं जिससे आप काफ़ी अपसेट हो सकती हैं। मैं आपको एडवांस कह रहा हूँ ख्वातीन के, प्लीज़ केयरफुल दे, ये दिन आपके लिए बहुत एतवार और बहुत यानी कि 26 और 27 आपके लिए टफ होगा, तो आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे 7वें का लॉर्ड 11वें में है, तो कहाँ होगा, घर में सुकून रहेगा, दूसरों से मोहब्बत मिलेगी, दिली तमन्नाएं पूरी होंगी, आपका पार्टनर आपके साथ घूमने के लिए जिद करेगा और आप वहाँ पे थोड़ा सा उसको टरकाते नजर आ रहे हैं क्योंकि राहू बैठा है, तो आप कहेंगे यार मैं बेगम के साथ क्यों जाऊँ या अपने स्पाउस के, मैं क्यों ना अपने डेट मार रहा हूँ या कुछ करूँ, इस किस्म के डबल किश्ती में सवार होंगे, मियाँ बीवी में बहुत अच्छे तलकात होंगे और आपके वैसे तलकात ख़राब हो सकते हैं, दोस्ताना रंग होगा, फ्लर्ट करेंगे, मियाँ बीवी फ्लर्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, क्या बात है, आप एक दूसरे को खूब उठा के रखेंगे, क्या उस दिन गप्पे शप्पे होंगे आपकी, कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कोई ना कोई बेहतर होगा, आपके अंदर एक ख़ास जीने की मांग होगी, रोमानवी सा तल्लक होगा, दूसरे लोग समझेंगे कि आप पोस्ट करें। अच्छा, जिनके शादियां नहीं हुई तो उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई आ जाएगा, कोई लव उनका चल पड़ेगा, अगर ऑलरेडी लव चल रहा है तो ख्वाब उनके साथ अच्छा हो, बट वो वन थिंग कीप इन माइंड, यहाँ पे राहु बैठा है, लादा आपका, आपने अगर टेलीफोन नहीं सुना अपने जानू का, अगर आपने टेलीफोन आपका अंगेज मिला या आपने उसको जवाब ना दिया, मैं तो आपका जानू आपकी जान का रोग बन जाएगा। मेरे पास अक्सर केस, अभी रिसेंटली एक बच्चे की डिवोर्स हुई, वो बड़ा अच्छा था, पढ़ी लिखी जो थी, डॉक्टर थी एक बहुत अच्छा, इस बात पे कि मेरा, मैं मैसेज करती हूँ तो मेरा जवाब नहीं देता, मेरा ये नहीं करता, वो मुझे, मैंने कहा क्यों भी, क्या ऐसे कहता, अंकल मैं बैठा हूँ मीटिंग में बैठा हूँ, अब मैं इसको क्या जवाब दूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसका फ़ोन कैसे सुनूँ, तो शी स्टार्टेड इरिटेटिंग, देन दे डिसाइडेड टू गेट डिवोर्स, इच अदर, उनकी डिवोर्स होगी। तो बच्चों, ये चीज़ों को अपने रास्ते में रुकावटें मत बनाएं, ठीक है, अक्सर आप मोबाइल की, अच्छा एक मेरे पास आती हैं, वो देखो 24 घंटे वो उसका फ़ोन ऑन होता है, वो बात कर रहा था, मेरा जवाब नहीं देता, यानी कि हर वक्त मोबाइल पकड़ के एक्टिविटी को देखना, वो भी बंद कर दो उसको, ऑन है जाए जन्नत में जहाँ जाए, आप अपनी ज़िंदगी को क्यों जीरण बनाते हैं, खुदा के लिए थोड़ा सा रैम करें अपने ऊपर, मोबाइल को इतना अपने सर पे सवार ना करें, नहीं तो ज़हनी बीमार होते जा रहे हैं लोग। आगे चलते हैं, 7वें का 11वें में जा रहा था, अच्छा कारोबारी ज़रात भी ट्रेड करेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करने में बहुत फ़ायदा होगा, उनके साथ घूमेंगे बहुत फ़ायदा होगा, बेगम की घर वालों में कदर होगी, घर वाले सारे मिल के रहना पसंद करेंगे, एक बहुत अच्छा माहौल होगा, अगर माहौल ख़राब हुआ तो सैजिटेरियन आप लोगों की थोड़ी सी
मुनाफ़कत नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से होगा। लिहाजा अपने घर का माहौल सही रखना होगा। अब आगे चलते हैं, आपका 28, 29, 30 आठवें घर में कमाल के होंगे। अब आठवां घर और कमाल का हो, क्या बात है। और जब आठवें का लॉर्ड आठवें में हो तो फिर देखते यहाँ पे क्या क्या होने जा रहा है, क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, ये देख लेते हैं। ज़िंदगी में बेहतर राहें आएंगी, आपकी समाजी तरक्की की तरफ जाएंगे, मेहनत से बड़ी तरक्की और यहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेंगे। तो यहाँ पे आठवां घर में आपको प्रास्थित जायदाद के भी आपको अच्छे अच्छे चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं। और आपकी छठी बहुत काम करेगी और आपको कुछ दिखलाने का जज्बा होगा। ये जो दो दिन तीन दिन है ना सैजिटेरियन, इसको एंजॉय कीजिएगा, फ़ायदा कीजिएगा। आपको यहाँ पे बैंकिंग की तरफ से भी आपको अच्छी अच्छी, अगर आपको कर्जा है तो कर्जा उतर जाएगा, अगर आपका कोई काम रुका हुआ वो हो जाएगा। हाँ, जिन्होंने बाहर के लिए अप्लाई किया 100% इंशाल्लाह ताला आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका वीज़ा लग गया, या आप वीज़ा लगवाने गए तो वहाँ पे आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल जाएगा, या आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हर चीज़ में बेहतरी नज़र आती है। अब आठवां घर ये बैड नहीं रहा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपकी कोई मेंटल वरीज नहीं होंगी। यहाँ पे आपको किसी किस्म की डिसग्रेस डिग्रेडेशन का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। आकुलट साइंस में आपका इंटरेस्ट रहेगा, जब मेरा प्रोग्राम इस किस्म के प्रोग्राम मुख्तलिफ सुनते नज़र आ रहे हैं, किसी किस्म की रिजेक्शन डिले नहीं होगा। आपको मिस्टिज़म में बहुत होगा, ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ पे आप ट्रैवल करते भी नज़र आ रहे हैं, गैर मुल्की ट्रैवल जिसे कहते हैं हिजरत करना, बाहर के मुल्क में चले जाना, वो भी करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी बेहतरी आपको होगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे रिसर्च वर्क में अच्छा, सॉरी, और वरासती जायदाद का मैंने पहले बता दिया हुआ आपको, तो गिफ्ट कोई मिलेगा, बड़ा अच्छा गिफ्ट मिलेगा, बड़ा कीमती सा गिफ्ट होगा। और उसके अलावा आपके अन हिडन मनी भी की आ सकती है, अल्लाह ताला की कोई रहमत आ सकती है, कोई छुपे हुए पैसे निकल आएंगे, कोई रुके हुए पैसे निकल आएंगे, वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये आपके स्पाउस का अर्निंग है, यहाँ पे आपके स्पाउस को भी पैसे आते नज़र आ रहे हैं, आपको भी पैसे, स्पाउस को भी पैसे, मौजा ही मौजा, क्या बात है, इंजॉय कीजिएगा, ये दिन तो आपको बहुत एडवांटेज दे देंगे। तो ये तीन दिन सेजिटेरियन एंजॉय कीजिएगा। आगे चलते हैं, यकम और दो को आपका नाइन्थ हाउस है और नाइन्थ का लॉर्ड ग्यारहवें में बैठा है। पहले हम वो देखते हैं कि नाइन्थ का लॉर्ड जब ग्यारहवें में जाता है तो क्या होता है। आप तो बाहर से ना कोई ऑफर आएगी, कोई ना कोई कोई मदद, या कोई बंदा चल के आएगा जो आपको ऑफर करेगा कोई बिजनेस के लिए, और या आपको हेल्प आउट करेगा और आपको इस काबिल करेगा कि आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उमूमन बाहर से मिलने वाली सपोर्ट इल्मी व रूहानी होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। आपको बाहर से तलीम हासिल करके फिर इस तलीम से दूसरों को इल्म बांटेंगे, ठीक है। वो लोग जो फॉरेन एजुकेटेड है वो उनको कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट मिल जाएगी जहाँ पे वो लोगों को टीच करते नज़र आ रहे हैं। और स्कॉलर जो हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ज़िंदगी तलीम मज़हब और रूहानी रूम में तलाश करते करते गुजारी है, वो बहुत इन होंगे, वो लोगों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, घर जाएंगे, फिर इस रोशनी से अपनी ज़ाती ख्वाहिशें भी उनकी पूरी होती नज़र आ रही। अच्छा, अगर आप ऑलरेडी बाहर पैसे कमा रहे हैं तो आप पैसा उस दिन बिरून मुल्क से पैसा कमा कर आप अपने बहन भाइयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए भिजवाएंगे, और आपके दिल में एक चीज़ बैठ जाएगी कि बड़ों की इज्जत करना ही आपका अवलीन फ़र्ज है, इस जज्बे में आप रहेंगे। तो यहाँ पे आप नाइन्थ हाउस है, तो नाइन्थ हाउस का तो मैंने जब लॉर्ड उठ के ग्यारहवें में जाता है तो वो बता दिया। अब नाइन्थ हाउस में क्या होने जा रहा है, फॉरेन ट्रैवल, एक तो बाहर दाखिला मिल जाएगा आपका जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, सफ़र करते नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी, अगर बाहर है तो उनकी एग्ज़ाम है तो प्रेजेंटेशन ये वगैरह बहुत अच्छी होगी, उनकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा होगा,
उनकी डिग्री मिल जाएगी अच्छे वगैरह की, उनके फेम और विजिटिंग में विजडम में बहुत ही बेहतरी होगी। लीगल अगर कोई मसला है तो वो हल हो जाएगा, चैरिटेबल होंगे, चैरिटी करेंगे। अच्छा, रिसर्च वर्क वाले बहुत इन होंगे यहाँ पे, उनको अपनी मर्जी का टॉपिक मिल जाएगा, उनको रिसर्च का अगर किया तो उसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। उनका जो रिसर्च का पहला रिक्वेस्ट देते हैं ना कि मैंने ये करना है, तो वो पहला जो पेपर होता है जिसको कहते हैं 4-5 सफ़े का, मुझे उसका टिपिकल नाम नहीं याद आ रहा, वो अप्रूव हो जाएगा और आप बड़े नारे मारेंगे, मतलब मेरा टॉपिक अप्रूव हो गया मेरा, तो इस किस्म के आपके नारे चलते रहेंगे। इनमें इंटेंशन आपकी बहुत तेज़ होगी, फेथ इन रिलीजन बहुत अच्छा होगा, मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी, वजदानी कफ़ियत होगी आपको, आप यहाँ पे सोशल काम करते नज़र आ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ते या अपनी अबादात में मसरूफ़ होते नज़र आ रहे हैं, नफल पढ़ते नज़र आ रहे हैं, या कोई ना कोई ख़त्म दिला के लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों की को बांटते ये चीज़ देते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्लाह ताला के दोस्त बनते नज़र आ रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ही एडवांटेजेस मिल जाएंगे, यहाँ पे आप गवर्नमेंट के खर्चे पे भी अच्छा, अगर आपका बाहर दागा तो आपको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगा जो बाहर आप जाएंगे और गवर्नमेंट के खर्चे पे बाहर जाएंगे। बाज़ दफ़ा होता है ना कि स्कॉलरशिप आते हैं आप डिपार्टमेंट में, तो आप 17वें 18वें ग्रेड में तो 19 ग्रेड में, तो वहाँ पे आपका नाम सेलेक्ट हो जाएगा और आपको कहीं टिकट भी आ जाएगी और आप बाहर जाते भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आप कोई कोर्स करके आएंगे या कोई सेमिनार अटेंड करते नज़र आ रहे हैं, तो इस किस्म के भी काम हो सकता है। अब 9th हाउस में यहाँ पे 3rd कंसेप्शन के पूरे चांसेस है, ट्राई कर लीजिएगा, अल्लाह ताला उस दिन बेहतरी करेगा। मस्ट बी स्कॉलर बहुत इन होंगे, टीचर बहुत इन होंगे, लोग उनके उस्ताजा को यहाँ पे बहुत इज्जत मिलेगी, उनकी बातों को एडमायर किया जाएगा। अब आगे आगे आपका 10वां घर में इतवार को मून होगा विरगो में, तो यहाँ पे आपका 10वें का लॉर्ड 11वें में जब जाता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं तो आपको मशवरा दूंगा रेस्ट करते नज़र आइए, अपनी नींद पूरी कीजिएगा, किसी किस्म का पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। हफ्ते में एक दिन रेस्ट मारा करें, उस दिन तेल सर पे तेल की मालिश करवाया करें, वहाँ पे थोड़ा सा बाल चाल करिए, वो इस किस्म के काम उस दिन ज़रूर किया करें। उस दिन आपका कारोबार की तरफ बिल्कुल नहीं करना और किसी अकेले कोई ना काम नहीं करना, आपने किसी ना किसी से मदद ज़रूर ले लेनी है। आप ट्रेड और शराकतदारी से सिस्टम चलाने और दूसरों की मदद लेने में दिलचस्पी रखेंगे, ट्रेड पे यकीन रखेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर मुश्तरका कारोबार की डिस्कशन होगी या उनके साथ कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, एक जगह पे नहीं बैठेंगे, कभी किधर मकामी और इंटरनेशनल ट्रेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा आप फेवर आपको नज़र आएगी, आप उसकी तरफ जाते हुए नज़र आते हैं, इस तरह ज़िंदगी को अपना सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। हाउसवाइफ यहाँ पे बहुत अच्छी, उनका भी अच्छा होगा, जॉब मिल सकती है, बाहर जा सकते हैं, एजुकेशन में बहुत बूस्ट मिलेगा। यहाँ पे कंसेप्शन के भी प्रॉब्लम हाल होते नज़र आ रहे हैं, तो कोई ना कोई औलाद की तरफ से भी खुशखबरी मिल जाएगी। गैर मुल्की सफ़र का मैंने पहले कह दिया हुआ है, ये अक्सर सवाल आप लिखते हैं तो मैंने ये सारे कवर कर दिए। तो सैजिटेरियन अगला हफ्ता आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और मुझे इजाज़त दीजिए, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।